हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे। तो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की ऑटो कैट की क्लास के अंदर। और आज से हम लोग शुरू करेंगे ऑटो कैट 3D की क्लासेस। तो जैसे ही आप ऑटो कैट की शीट को ओपन करते हैं, तो अब तक हम जो काम करते थे दोस्तों, यहाँ नीचे आपने देखा होगा ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन लिखा होता था। आज हम लोग काम करेंगे 3D मॉडलिंग के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, 3D मॉडलिंग बेसिक, 3D बेसिक और 3D मॉडलिंग। तो हम जो काम कर रहे हैं 3D मॉडलिंग पे, और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिएगा आपके ये सारे टैब ना चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको होम में इस तरह के जो है जो टूल बार है वो मिलते हैं। सॉलिड में ये है सरफेस, मैश, विजुलाइज, पैरामेट्रिक, इंसर्ट, ये सारे के सारे जो है टूल बार यहाँ पर 3D के आपको मिल जाते हैं, ठीक है? अब इसके बाद जो है दोस्तों, हम सबसे पहले जो है यहाँ पर व्यू में जाएंगे, और व्यू में जाके आप देखेंगे यहाँ पर 3D व्यू, ठीक है? 3D व्यू में आप देखेंगे तो यहाँ पर टॉप, किसी भी ऑब्जेक्ट का टॉप अगर आप देखना है, देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। 3D व्यू में उसका बॉटम देखना चाहते हैं, बॉटम से देख सकते हैं। और अगर आप उसके साइड व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू देखना चाहते हैं तो लाइट या सारे के सारे यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर साइड वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू आप देख सकते हैं, जैसे आप करेंगे तो साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू दिखेगा आपको। उसके अलावा जो है यहाँ पर देखेंगे तो साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू। तो ये अलग अलग जो है एंगल से आप कह सकते हैं, यहाँ पर एंगल से जो है आप अपनी ड्राइंग को देख सकते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों, यहाँ पर आप शिफ्ट दबा के ना अगर माउस का रोलर मूव करेंगे तो आप जो है पूरी की पूरी शीट को ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां से भी देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। देखिए ये रोटेट हो रही है, ठीक है? ये रोटेट हो रही है क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर शिफ्ट दबा के और रोटर जो है रोलर को दबाया हुआ है, ठीक है? रोलर को आप मूव करिए जिस तरह से भी आप देखना चाहते हैं, आपका पूरी शीट को आप ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं से भी देख सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से। उसके बाद जो है हम अगर वापस जाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये साइड में बॉक्स दिख रहा है, तो यहाँ से भी आप लेफ्ट चूज कर सकते हैं। टॉप से देखना चाहे टॉप से दिख सकते हैं, नॉर्थ से देखना चाहे नॉर्थ से देख सकते हैं, बैक बॉटम देखना चाहे बॉटम से देख सकते हैं। इस तरीके से आप इसका भी यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? और रोलर से तो आप इस चीज़ का यहाँ से अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम टॉप दबाएंगे तो हमें टॉप व्यू जैसा यहाँ पर वापस अपनी लोकेशन पे ये ले आएगा, ठीक है? इस तरीके से जो है दोस्तों, हम अपने 3D ड्राइंग को यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? इसको यहाँ पर आप देखेंगे रोलर दबा के, तो ये इसको आप जो है जूम करेंगे, रोलर को आगे पीछे मूव करके जो है इसको आप जूम कर सकते हैं, और रोलर दबा के शिफ्ट के साथ आप इसको ऊपर से नीचे से जहां से भी देखना चाहें देख सकते हैं। अब इसको साउथ वेस्ट, अभी हमने देखे थे साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू कैसे देखते हैं, तो ये देखिए साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू आपका ये दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये साउथ वेस्ट फेसिंग समझ सकते हैं, फेस जैसे घर के चार फेस होते हैं वैसे ही आप इसको यूज कर सकते हैं। साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक है, किस एंगल से आप देख रहे हैं ये आपका एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से जो है आप इन टूल बार को जो है यूज में अपने ला सकते हैं जब आप 3D के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब कई बार क्या होता है, हमारी जो ड्राइंग है ना वो आउट हो जाती है हमारी स्क्रीन से, ठीक है? बहुत ज्यादा कई बार जो है स्क्रीन से आउट हो जाते हैं, तो इस केस में हम क्या करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, एंटर करेंगे, कंट्रोल जेड और कंट्रोल ए करेंगे तो आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? ये आपका जो है, देखिए अभी जैसे हम ब्लैंक हो गई हमारी शीट, तो कंट्रोल जेड और कंट्रोल ए करिए तो ये जो है आपका जो कर्सर है ना, ये आपका अपनी ड्राइंग के ऊपर वापस पहुंच जाएगा, ठीक है? जो भी हमारे ऑब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पर आपको पूरी ड्राइंग के ऊपर कई बार मिस हो जाते हैं ये चीजें, तो वो वहां पर पहुंच जाता है, ठीक? तो इस तरीके से आप जो है इन जो है टूल बार का इस्तेमाल करके अपनी 3D की ड्राइंग को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम 3D को क्रिएट करते हैं, ठीक है?